हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में कंटेस्ट फ्री लैंग्वेजेस के लिए हम कंटेस्ट फ्री ग्रामर को डिज़ाइन करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वाले लेक्चर्स को नहीं देखे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में लैंग्वेज गिवन रहेगा, लैंग्वेज के लिए हमें कंटेस्ट फ्री ग्रामर को डिज़ाइन करना है। तो देखिए, इस टाइप से लैंग्वेज गिवन रहेगा। L इज इक्वल टू ए टू द पावर n, b टू द पावर n, सच दैट n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। देखिए, इस लैंग्वेज के लिए हमें कंटेस्ट फ्री ग्रामर डिज़ाइन करना है, तो फर्स्ट हमें एनालिसिस परफॉर्म करना है। एनालिसिस हम क्यों परफॉर्म करते हैं? स्ट्रिंग्स के नेचर को फाइंड आउट करने के लिए हम एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। एनालिसिस आप कैसे परफॉर्म करोगे? n के प्लेस पे इनिशियल वैल्यू पुट करना है। तो इस क्वेश्चन में इनिशियल वैल्यू 1 है, तो n के प्लेस पे 1 पुट करेंगे। अब इस लैंग्वेज में n के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, a टू द पावर 1, b टू द पावर 1, मींस ए बी स्ट्रिंग हमको मिलेगा। नेक्स्ट n के प्लेस पे 2 पुट करेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 के बाद में हम 2 पुट करेंगे। तो देखिए, n के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो 2 टाइम्स a, 2 टाइम्स b मिलेगा। नेक्स्ट n के प्लेस पे 3 पुट करेंगे, n के प्लेस पे 3, तो 3 टाइम्स a एंड 3 टाइम्स b मिलेगा। तो इस तरीके का स्ट्रिंग्स जनरेट होगा। इस लैंग्वेज में a और b क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अब इस लैंग्वेज के ऑल स्ट्रिंग्स को जनरेट करने के लिए हमें एक कॉमन रूल डिफाइन करना है, जिसे कंटेस्ट फ्री ग्रामर कहा जाता है। तो अब हमें कंटेस्ट फ्री ग्रामर को डिजाइन करना है। स्टार्टिंग सिंबल लेंगे, s ड्राइव्स टू और, इनिशियल वैल्यू पुट करने के बाद में कौन सा स्ट्रिंग आपने फाइंड आउट किया? ए बी। इधर लिखेंगे ए बी। अब इस स्ट्रिंग को नेक्स्ट वाले स्ट्रिंग में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए, इसको एस नेम दे दिया आपने, ए बी इधर दिख रहा है, एस। एस सब्स्टिट्यूट करने के बाद रिमेनिंग सिंबल ए, इधर रिमेनिंग सिंबल क्या होगा? बी। तो देखिए, इस तरीके से आपको ग्रामर जनरेट करना है। इस ग्रामर का यूज करके ईच एंड एवरी स्ट्रिंग को हम जनरेट कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे ए बी जनरेट करना है तो एस के लिए ए बी वाला प्रोडक्शन यूज करेंगे। अगर हमें 2A 2B जनरेट करना है तो इस वाले प्रोडक्शन को लेंगे और एस के प्लेस पे अगेन आप क्या करोगे? ए बी को पुट कर दोगे। 3A 3B जनरेट करना है, यही प्रोडक्शन लेंगे, ए बी। एस के प्लेस पे यही प्रोडक्शन यूज करेंगे, अगेन जब टर्मिनेट करना रहेगा तो ए बी से आप टर्मिनेट कर दोगे। नेक्स्ट, हमें इस लैंग्वेज के लिए कंटेस्ट फ्री डिजाइन करना है। L इज इक्वल टू ए टू द पावर n, b टू द पावर n, सच दैट n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पे कंडीशन 1 था और इस लैंग्वेज में कंडीशन 0 है। तो चलिए, सबसे पहले एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। n के प्लेस पे इनिशियल वैल्यू 0 पुट करेंगे, a टू द पावर 0 एप्सिलॉन, b टू द पावर 0 एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन क्या मिलेगा? एप्सिलॉन। नेक्स्ट n के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, a टू द पावर 1, b टू द पावर 1, ए बी मिलेगा। नेक्स्ट n के प्लेस पे 2 पुट करेंगे, 2 टाइम्स a और 2 टाइम्स b मिलेगा। अब ऑल स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए हमें ग्रामर डिफाइन करना है। s ड्राइव्स टू, इनिशियल वैल्यू पुट करने के बाद में कौन सा स्ट्रिंग फाइंड आउट हुआ? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन लिखेंगे। नेक्स्ट एप्सिलॉन को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो स्टार्टिंग में a होना चाहिए, एंडिंग में b होना चाहिए, और एनी नंबर ऑफ ab को जनरेट करने के लिए सेम प्रोडक्शन हम लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको कंटेस्ट फ्री ग्रामर डिजाइन करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इस लैंग्वेज के लिए हमें कंटेस्ट फ्री ग्रामर डिजाइन करना है। तो फर्स्ट एनालिसिस परफॉर्म करेंगे, n के प्लेस पे इनिशियल वैल्यू पुट करेंगे, n के प्लेस पे 2 पुट करेंगे, तो स्ट्रिंग क्या मिलेगा? a स्क्वायर मींस 2 टाइम्स a, 2 टाइम्स b। नेक्स्ट n के प्लेस पे 3 पुट करेंगे, 3 टाइम्स a, 3 टाइम्स b। नेक्स्ट n के प्लेस पे 4 पुट करेंगे, 4 टाइम्स a और 4 टाइम्स b। अब इस लैंग्वेज के लिए हमें कंटेस्ट फ्री ग्रामर डिजाइन करना है। s ड्राइव्स टू, इनिशियल वैल्यू पुट करने के बाद में कौन सा स्ट्रिंग आपने फाइंड आउट किए उसको लिखना है, ए ए बी बी। अब रिमेनिंग स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए स्टार्टिंग में ए, एंडिंग में बी, एनी नंबर ऑफ ए बी के लिए एस लिखेंगे। तो इस तरीके से आपको ग्रामर डिजाइन करना है। सिंपल सा कंसेप्ट आपको याद रखना है। फर्स्ट इनिशियल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इनिशियल वैल्यू पुट करेंगे, तो इनिशियल वैल्यू पुट करने के बाद में जो स्ट्रिंग आया वो आप लिखोगे। इसके बाद में स्टार्टिंग में ए होना चाहिए, एंडिंग में बी होना चाहिए, एनी नंबर ऑफ ए बी के लिए एस, सेम प्रोडक्शन यहाँ पे होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे भी यही कंसेप्ट यूज हुआ। जीरो, इनिशियल वैल्यू जीरो है, जीरो पुट करेंगे एप्सिलॉन मिलेगा, स्टार्टिंग में ए, एंडिंग में बी, एनी नंबर ऑफ ए बी के लिए एस। यहाँ पे इनिशियल वैल्यू 1 है, 1 पुट करेंगे तो ए बी मिलेगा, ए से स्टार्ट होना चाहिए, बी से एंड होना चाहिए, एनी नंबर ऑफ ए बी के लिए सेम प्रोडक्शन एस लिखेंगे। तो इस तरीके से आप इजीली कंटेस्ट फ्री ग्रामर को डिजाइन कर सकते हैं। आई होप कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके के और लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप अपने बाकी फ्रेंड को शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।